ट्रेन में मिली एक आंटी, दोस्तों मेरा नाम राघव है और मैंने दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में पढ़कर 12वीं की परीक्षा पास की थी। इसके बाद मेरे घर वालों ने मुझे इंजीनियरिंग करने को कहा। एक मध्य वर्ग के सपने काफी होते हैं, मैं भी मध्यम वर्ग से हूँ, इसीलिए परिवार के सपनों को आगे ले जाने के लिए इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए दिल्ली से कोटा की यात्रा आरंभ कर दी। हजरत निजामुद्दीन से कोटा के लिए जैन शताब्दी गाड़ी है जो रात्रि में कोटा स्टेशन पहुंचा देती है। ट्रेन आई और मैं सेकंड क्लास में अपनी सीट पे बैठ गया। कोटा में पहली बार जा रहा था, घर वालों को मेरी समझदारी और ताकत का यकीन था, इसीलिए मुझे अकेले जाने दिया। मेरी खिड़की की तरफ वाली सीट थी। मैं सीट पर बैठकर ट्रेन के चलने की इंतजार करने लगा। तभी एक प्यारी से आवाज ने मेरा ध्यान आकर्षित किया, बेटा क्या तुम मेरी जगह बैठ सकते हो डॉट? मैंने मुड़ के देखा तो एक 35 वर्ष की महिला थी, वह मुझसे खिड़की वाली सीट मांग रही थी। मैं उन्हें मना ना कर सका और उनके सीट जो मेरे बगल वाली थी उस पर मैं बैठ गया। ट्रेन प्लेटफॉर्म से चली। मथुरा आने से पहले उस आंटी ने मुझसे पूछा, बेटा यह कोटा कब तक पहुँचती है? मैं बोला 10 बजे सही समय है, अगर लेट ना हुई तो। तब आंटी बोली, तुम भी वहीं जा रहे हो? मैंने हाँ में जवाब दिया। तब आंटी पूछती है, कोचिंग कर रहे हो डॉट? मैं बोला, जी पहली बार जा रहा और कोचिंग करने। आंटी बोली, अच्छा बेटा। फिर आंटी कुछ सोचने लगी, जैसे वह कुछ परेशान सी थी। मैंने अगला स्टेशन आने पे कुछ चिप्स के पैकेट मैंने आंटी को देते हुए कहा कि चिप्स खा ले। उन्होंने मेरी तरफ देखा और चिप्स निकल के पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोला, मेरा नाम राघव है आंटी। फिर उन्होंने मुझसे मेरे परिवार के बारे में पूछा, फिर मैंने भी उनके बारे में पूछा। उनका नाम सुशीला था, वह दिल्ली में एक कंपनी में नौकरी करती थी और कोटा में उन्हें अच्छी नौकरी पर इंटरव्यू के लिए बुलावा आया था। बातें करते भरतपुर भी पार हो गया। आंटी ने सूट पहना था, उनका शरीर बार बार मुझसे छू जा रहा था। आंटी ने बताया कि उनका तलाक हो चुका है और अब उनका इकलौता लड़का 15 साल का हो चुका है और वो भी कोटा में पढ़ाई करता था। आंटी के गोल मटोल काफी बड़े थे इसलिए बार बार छू जाता था, लेकिन आंटी को बुरा नहीं लग रहा था क्योंकि सीट ज्यादा बड़ी नहीं थी और उन्होंने भी इस पर ज्यादातर तवज्जो नहीं दी। लेकिन मेरा यान रहकर गोल मटोल पर जा रहा था, इस कारण मेरे शरीर में करंट सा दौड़ जाता था। शाम के 7 बज गए और अंधेरा होने लगा था। 9 बजे तक ट्रेन वहीं रुकी रही। अब कोटा 11 बजे आने वाला था। लोग परेशान हो रहे थे, फिर ट्रेन के चलते ही सब ने चैन की सांस ली। आंटी ने अपने बेटे को कॉल किया तो उधर से उनका बेटा बोला, हेलो मम्मी नमस्ते। तब आंटी जी बोली, बेटा 11 बज जाएंगे आने में। तब उनका बेटा बोला, मम्मी हॉस्टल से परमिशन नहीं मिलेगी इतनी रात में स्टेशन आने की। तब आंटी बोली, बेटा मैं कोटा पहुंच के बात करती हूँ आंटी ने। मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि हॉस्टल वाले 6 बजे के बाद किसी को भी बाहर जाने की अनुमति नहीं देते, अब रात भर उन्हें स्टेशन पर बिताना होगा। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया कि अगर मैं आंटी के साथ होटल में रुक जाऊं, तो दोनों का पैसा भी कम लगेगा और आराम भी हो जाएगा। तभी आंटी ने मुझे सोचते देखकर पूछ लिया। तब मैं बोला, आंटी होटल में रुक जाए क्या, डबल बेडरूम लेकर? तब आंटी बोली, ठीक है बेटा पहले कोटा तो आए, पर होटल में रूम कैसे बुक करोगे? तब मैं बोला, आंटी वो अभी मैं कर देता हूँ। मैंने तुरंत होटल के नंबर निकाले और बात की और एक डबल बेड की जगह एक सिंगल बेडरूम बुक कर दिया और आंटी से कहा बुकिंग हो गई है। 11 बजे ट्रेन कोटा पहुंच गई। मैंने आंटी का सामान उठाने में मदद की। हम स्टेशन से बाहर निकले और पास के होटल जिसमें बुकिंग थी चल दिए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं एक खूबसूरत आंटी के साथ रहूंगा और आंटी के चेहरे पे भी उतनी ही खुशी थी। होटल के बुकिंग काउंटर पे मैंने अपना नाम बताया और आंटी को अपना रिश्तेदार बताकर रूम की चाबी ली और चल दिया। वह छोटा पर एक साफ सुथरा होटल था।
रूम में एक बेड देख आंटी गुस्सा हो गई और बोली, दो बेड वाला क्यों नहीं बुक कराए? मैंने कहा, बस यही एक रूम था। अब आंटी ने दरवाजा बंद किया और बोली, राघव बेटा मैं थक गई हूँ तो मैं नहा लेती हूँ। मैंने कहा, ठीक है। आंटी जब नहा कर आई तो काफी सुंदर लग रही थी। मेरा दिल चाहा कि अभी वह कर दूं, लेकिन मैंने खुद पर कंट्रोल किया और बोला, आंटी खाना यही मंगा लूं या बाहर चलोगे? तब आंटी ने कहा, यही रूम में मंगा लो। तभी बातों बातों में आंटी ने जो बताया उसे सुनकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैंने उनके बैग में कुछ वह वाली गोलियां देखी थी। जब इस बारे में मैंने पूछा तो वह कहने लगी, मेरी मजबूरी है, मेरे बेटे को इस बारे में कुछ नहीं पता। मेरा तलाक होने के बाद सबने मुझे अकेला छोड़ दिया था। ज्यादा पढ़ी लिखी ना होने की वजह से कोई अच्छी नौकरी भी नहीं दे रहा था। जहाँ भी गई सब मेरा फायदा उठाने की ताक में रहते। मजबूरी में ये कम कर रही हूँ, कुछ सालों में मेरा बेटा जॉब पर लग जाएगा तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। और बोली, इसके अलावा मुझे भी तो जरूरत पड़ सकती है, इसीलिए हमेशा मुझे ये रखना पड़ता है। फिर खाना खाकर हम सोने लगे। फिर आंटी ने कहा कि खेत कई दिनों से सूखा है, उसे पानी दे दोगे? मैं तो तुरंत ही तैयार हो गया। फिर उस दिन लगभग 3 बार खेतों को पानी दिया, फिर थक कर सो गए। और सुबह आंटी ने गोली खा ली और बोली, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने मुस्कुरा कर उन्हें देखा और उनका नंबर ले लिया। फिर हम अपने अपने रास्तों पर निकल पड़े।